आज जो आप देखने जा रहे हो उसको मैंने द्वापर में देखा है, जब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उनके बड़े भाई बलराम कोलासुर राक्षस को मारने के बाद यहाँ पर आकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा किया था। तब से इस खेरेश्वर धाम में हर साल शिवरात्रि में ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का एक बहुत ही सुंदर पावन स्थान जिसका नाम है खेरेश्वर। दोस्तों, बने रहने मेरे ब्लॉग पर और देखते हैं अलीगढ़ स्थित खेरेश्वर धाम। आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत खास, तो दोस्तों बने रहने मेरे ब्लॉग पर और देखते हैं खेरेश्वर मेला। दोस्तों ये नजारा है अलीगढ़ के खेरेश्वर मेले का अंदर। दोस्तों बने रहना है आपको मेरे ब्लॉग पर और इस मेले के बारे में, इस मंदिर के बारे में और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराऊंगा आपको। तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस बने रहना मेरे ब्लॉग पर। कांवरिया, दोस्तों आप देख रहे हो कांवरिया गंगा जी से जल भर करके लेके आते हैं और भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हैं। तो इसी तरह का जत्था चलता है, गंगा जी हमारे यहाँ से 65 किलोमीटर दूर है, वहाँ से ये जल भर करके लाते हैं और भगवान भोलेनाथ जो कि खेरेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है वहीं पर लाते हैं। दोस्तों आप देख रहे हो खेरेश्वर का मेन गेट। अब हम चलते हैं इस मेन गेट के अंदर और दिखाते हैं अंदर का नजारा कैसा है। महाशिवरात्रि के दिन दोस्तों यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और उन पर जल समर्पित करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो विशाल जनसमूह अभी आपको देखने को मिलेगा मंदिर परिसर के अंदर। इतनी भीड़ होती है कि दोस्तों यहाँ की व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है प्रशासन को। पूजा की सामग्री भी आपको यहीं अंदर ही मिल जाएगी, अगर आप घर से लेकर नहीं आए तो यहीं से आप बेलपत्र, गंगा जल, प्रसाद सब खरीद सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों यहां पर पूजा का सामान मिल रहा है। बेर जो कि भगवान भोलेनाथ को समर्पित किए जाते हैं, कुछ इस तरीके का दृश्य मंदिर परिसर के अंदर श्रद्धालुओं की भीड़ जो आप देख रहे हो दोस्तों। ये कुछ आप दृश्य देख रहे हो खेरेश्वर महादेव मंदिर का मेला जो लगता है शिवरात्रि के दिन। भगवान भोलेनाथ की ऊंची सी प्रतिमा, दोस्तों अब चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर
और देखते हैं कि किस हिसाब की भीड़ लगी है दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ के। जैसा कि आप देख रहे हो, मंदिर परिसर के अंदर बने हुए कुछ खास स्थान बने हैं यहां पर, जिनको मैं आप दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, इतनी भीड़ के बावजूद भी आपको मैं दर्शन कराऊंगा भगवान भोलेनाथ के। खेरेश्वर भगवान भोलेनाथ, जिनका नाम है यहाँ पर खेरेश्वर महादेव, उनके आपको दर्शन भी कराऊंगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना, कमेंट बॉक्स में जय भोले की जरूर लिख देना। श्रद्धालुओं की अपार भीड़ जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अभी कुछ ही देर बस इंतजार करना पड़ेगा आपको, बस मैं अंदर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराऊंगा। बेसुमार भीड़, अपार भीड़ जिसको कहते हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। भीड़ का नजारा आप देख ही रहे हो दोस्तों। आपको बस कुछ ही देर का इंतजार करना पड़ेगा और अभी आपको दर्शन कराता हूं भगवान भोलेनाथ, जिनका नाम है खेरेश्वर महादेव। बस दोस्तों चंद सेकंडों में आपको दर्शन करा रहा हूं भगवान भोलेनाथ के। तो बस कमेंट बॉक्स में जय भोले की जरूर लिख देना। दोस्तों, यही है भगवान भोलेनाथ खेरेश्वर, जिनके आप दर्शन कर रहे हो। तो दोस्तों अब चलते हैं थोड़ा सा मंदिर परिसर के बाहर, भी बहुत अच्छे अच्छे स्थान बना रखे हैं, वहां पर आपको दर्शन कराता हूं। यहां पर एक कुंड भी बना रखा है। इतनी भीड़, बेसुमार भीड़ दोस्तों, यहां पर सांस फुला देने वाली भीड़ थी, जो कि आपको मैंने अभी दर्शन कराया। और अब हम धीरे धीरे गेट के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप भीड़ देख रहे हो, बहुत टाइम लग गया, और अब हम आ रहे हैं मेन गेट, जहां से प्रवेश किया जाता है। ये खेरेश्वर धाम हरिदासपुर अलीगढ़ में ही पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो यार इसको लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव भी कुछ दे सकते हैं दोस्तों। आपके सुझाव हमें मान्य होंगे तो अगले इसी तरीके से वीडियो से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।